भारत लगातार तरक्की कर रहा है पर अजे भी वड्डी गिनती च भारतीय अपने बेहतर भविख की भाल च दूजे देशों च जा रहे ने। पढ़ाई लई विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की गिनती दे नाल नाल नौकरी ते रोजगार लई विदेश जाने वाले की गिनती भी बहुत ज्यादा वध गई है। लखां भारतीय देश छड्ड के विदेशों का रुख कर रहे ने। 14 मार्च नूं लोकसभा च पेश किए गए दस्तावेजों च कहा गया है कि साल 2022 दे विच इमीग्रेशन एक्ट 1983 तहत 3,70,434 भारतीयों नूं इमीग्रेशन क्लीयरेंस जारी की गई सी, जिन्हां चों 10,654 पंजाब दे सन। यह अंकड़ा पिछले समय दौरान लगातार वाधा जा रहा है। दरअसल भारत च चंगी नौकरी दे नाल लोकां दे सामने तनखाह की समस्या खड़ी रहिंदी है। नौजवानों नूं अपनी योग्यता दे अनुसार तनखाह घट लगती है। लोगों नूं इन्ना पैसा नहीं मिल रहा कि वह चंगी तरह अपना जीवन बतीत कर सकन, इस कारण लोग विदेशों का रुख करते हैं। जे भारतीय लोगों की गल करिए सब तो वध अमेरिका दे विच भारतीय लोग जाण दी इच्छा रखते हैं। इस दे पिछे सब तो वड्डा कारण उत्थों दीआं लोड़ींदी सहूलतां दी उपलब्धता है। एक रिपोर्ट के मुताबक अमेरिका दे विच 46 लाख तो वध भारतीय रहिंदे ने। दूजे नंबर पर संयुक्त अरब अमरीत है जिथे 31.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहिंदे ने। तीजे नंबर पर मलेशिया आउंदा है जिथे लगभग 30 लाख भारती रहिंदे ने। इमीग्रेशन एक्ट 1983 भारत के नागरिकों नूं विदेशों च रुजगार के मौके प्रदान करता है। इस कानून तहत भारतीयों नूं 18 देशों दे विच रुजगार लई इमीग्रेशन क्लीयरेंस जारी की जाती है। इन्हां देशों दे विच साउदी अरब, इंडोनेशिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, दक्षणी सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड शामिल ने।